नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज रात से खत्म होगी शनि की 7.5, इन 6 राशियों को मिलेगी बहुत बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय और कर्म फल का देवता बताया गया। क्या है ऐसा बताया जाता है कि शनिदेव मनुष्य को उनके कर्मों का हिसाब से शुभ और अशुभ फल देते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शनि ग्रह के शुभ स्थिति है तो उसकी वजह से उसे व्यक्ति को अपने जीवन में सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। उसी व्यक्ति का जीवन हंसी खुशी में विपरीत होता है। परंतु अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की अशुभ स्थिति होती है तो उसकी वजह से जीवन में एक के बाद एक कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। व्यक्ति को अपने कामकाज में सफलता नहीं मिलती किसी न किसी वजह से, अक्सर वह व्यक्ति परेशान रहता है। दो की चाल बहुत धीमी होती है। यह एक राशि से दूसरी राशि में अपना स्थान बदलने में 2.5 वर्ष लगा देते हैं। यानी अगर किसी भी व्यक्ति की राशि में शनि देव की उपस्थिति है तो 2.5 वर्षों तक उसका प्रभाव बना रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी इंसान के ऊपर शनि देव की महादशा, शनि देव की 7.5 और ढैया का प्रभाव है तो जीवन उसके कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। दोस्तों, अब आपको पसंद भारी है या नहीं इसको आप कैसे पहचान सकते हैं? इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिसकी सहायता से आप इस बात को जान सकते हैं। आपको हम बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के ऊपर शनि भारी रहता है उन लोगों के सिर के बाल गिरने लगते हैं। ऐसे संकेत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उस वक्त के ऊपर फिल्म की छाया पड़ने शुरू हो चुकी है। अगर आपको अपने जीवन में इस तरह के संकेत मिल रहे हैं तो तुरंत आप शनिदेव को प्रसन्न करने का उपाय कीजिए। दौर तो शनि अशुभ की वजह से व्यक्ति गलत कामों की तरफ जाने लगता है। बिहार में उसके बदलाव आ जाता है, मन में उसके कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। व्यक्ति को किसी न किसी से नुकसान का सामना करना पड़ता है। शनि भारी होने पर व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है, शरीर में आलस्य भर जाता है, व्यक्ति ने काम को टालने की आदत होने लगती है। इतना ही नहीं, व्यक्ति शनि के खराब होने से वह कामकाज में उसके बाधाएं आती है और व्यक्ति का मूड जिनकी मानसिक चिंताओं में बदल जाता है, कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होने लगती है, बनता बनता काम भी बिगड़ जाता है। सभी खराब होने की वजह से सभा में नकारात्मकता देखने को मिलती है। बाल, नाखून, दाढ़ी हमेशा बड़े होते हैं। इंसान की रुचि मांग से मद्रास खाने पीने में अधिक होने लगती है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर शनि का अशुभ प्रभाव है तो इसकी वजह से उसके जूते चप्पल चोरी हो जाते हैं, घर की दीवार अचानक से गिर जाती है, पालतू जानवर की अचानक मृत्यु हो जाती है, इंसान नौकरी या बिजनेस को लेकर अधिक परेशान होने लगता है। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में इस तरह के संकेत नजर आते हैं तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए और भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने का उपाय करना चाहिए। शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही आसान से उपाय दिए गए हैं, जिनमें हनुमान जी की उपासना, शनि चालीसा का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, शनि अष्टक का पाठ, शोर देव की उपासना, पीपल के वृक्ष का पूजन, काले घोड़े की नाल वाली अंगूठी धारण करना आदि प्रमुख है। शनि देव से संबंधित मंत्र ओम राम प्रेम प्राण सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र को कम से कम 5 बार जाप करें। इनसे संडे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही साथ स्थानीय प्रसन्न मंत्र भी आप, यानी कि उनका स्त्रोत भी आप जाप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप रोजाना 3 बार संघ के स्त्रोत का जाप करते हैं, ऐसा करने से शनिदेव उस व्यक्ति पर भगवान शनिदेव की अपार कृपा निरंतर बनी रहती है। दोस्तों, यदि आप इनमें से कोई भी उपाय निरंतर अपने जीवन में करते हैं तो भगवान शनिदेव की अपार कृपा आप पर बन जाती है और इससे आप बहुत कम मेहनत किए बिना ही अपने जीवन में तमाम सुख सुविधाओं की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, बता दें कि मां लक्ष्मी जी को धन की देवी कहा जाता है और हर कोई यही चाहता है
कि उस पर माँ लक्ष्मी जी की अपार कृपा बनी रहे, जिससे उसके जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की कमी ना रहे। इसी क्रम में ज्योतिष की मत के अनुसार ग्रहों की चाल के कारण से ऐसे संयोग बन रहे हैं। कल से कल सुबह से कि माता लक्ष्मी और भगवान शनिदेव एक साथ प्रसन्न हो रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ राशियों की किस्मत है कल से चमकने वाली है। जी और दोस्तों, इन राशिवानों के बारे में, होने वाले लाभ के बारे में, फायदे के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बिल्कुल भी मिस न करें और इसे वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन और तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जय 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 शनिदेव। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर सबसे पहले बफे। दोस्तों, सबसे पहले राशि है मेष राशि। बताना चाहेंगे कि मेष राशि वाले व्यक्तियों का बुरा समय अब खत्म हो चुका है। इस राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर शनिदेव मेहरबान अब रहने वाले हैं। इस राशि वाले व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आने वाले समय में आपको सफलता हासिल होने के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अब छुटकारा मिलेगा। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। घर परिवार में आपको खुशियों का वातावरण बना रहेगा। दोस्तों, अगले राशि आती है, वो है तुला राशि। बताना चाहेंगे कि तुला राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर भगवान शनि महाराज की कृपा दृष्टि लगातार रहने वाली है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं के लिए आरोपी, उन सभी समस्याओं का अंत होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको आने वाला समय आपका अचानक अच्छा लाभ प्राप्त कराएगा। आपको अपने कुछ दोस्तों से मुनाफा मिल सकता है। अधिकारियों का पूरा पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों के पदोन्नत होने की संभावना बनी है। दोस्तों, अब अगली जो राशि आती है वह है मकर राशि। इस राशि के अंतर्गत आने वाले लोगों के आने वाले समय बहुत अच्छे रहेंगे। मनचाही नौकरी मिलेगी, साथ ही कामकाज में आपको अटके हुए जो कामकाज थे वो पूरे होंगे और अब आपके जीवन में कई प्रकार के जो कष्ट थे वो सब कष्ट दूर होंगे और भगवान शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में तेजी से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बताना चाहेंगे कि भगवान शनिदेव की कृपा से आपके कार्यों की तरफ से जमकर तारीफ होगी। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं उनके नौकरी में प्रमोशन के साथ बेहतर के वृद्धि के योग बने रहेंगे। बताना चाहेंगे कि भगवान शनिदेव महाराज की कृपा से अत्यंत लाभकारी समय होने वाला है। आपको बता दें कि जो लोग व्यवसाय करते उनको व्यवसाय में लाभ होगा। अगले जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि, आपको बताना चाहेंगे कि अब भगवान शनिदेव की कृपा से आपको अधिक धन की प्राप्ति होगी। साथ ही किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते, किसी नए कार्य का विचार कर सकते हैं जो आप लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध साबित होगा। नौकरी पेशा वाले जातकों को विशेष लाभ होगा। साथ ही बिजनेस व्यापार में तरक्की मिलेगी। बस आप अपने गुस्से पर कंट्रोल बनाए रखेगा, अन्यथा आपके बनते बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। बताना चाहेंगे कि आपको चारों तरफ से इस बार इनकी लाभ होगा और भगवान शनिदेव की कृपा से आपको खुशियाँ मिलेंगी। संतान की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। सोच समझकर निवेश करें, आपको लाभ जरूर होगा। भगवान शिंदे और माता लक्ष्मी कृपा से कई बड़ी खुशखबरी प्राप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं, अच्छे योग बनेंगे। अगले राशि आती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के आपको नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन के वृद्धि की संभावना है। भगवान शनिदेव की कृपा से इस दौरान आप धन के स्रोत बढ़ेंगे और निवेश करने पर विचार कर रहे हैं तो निवेश करके अच्छा खासा लाभ भी कमा सकते हैं। हालांकि आप किसी यात्रा पर भी आपको जाए पड़ सकता है, यात्रा आपके लिए काफी भाग्यशाली शुभ साबित होगी। यात्रा आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करेगी। बताना चाहेंगे कि कन्या राशि के जातकों को पर भगवान शनिदेव की विशेष कृपा रहेगी। खुशियों का माहौल देखने को मिलेगा, भी शुद्ध लाभ देखने को मिलेगा।
चारों तरफ से धन की इनकम बढ़ेगी, व्यापार में लाभ होगा, आकस्मिक धन लाभ होगा। अगले जो राशि आती है वो है धनु राशि। धनु राशि आपको बताना चाहेंगे कि अब आपको पर भगवान शनिदेव की कृपा बरसेगी, सुख समृद्धि आएगी, नौकरी में प्रमोशन धन लाभ मिलेगा, सामाजिक क्षेत्रों में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, कई बड़े लाभ मिलेंगे और रुका हुआ धन प्राप्त होगा, रातों रात किस्मत पलट जाएगी आपकी बताना, क्योंकि कि इनकम तेजी से बढ़ेगा और घर परिवार में माता पिता का सपोर्ट, बड़े भाई बहनों को सपोर्ट मिलेगा, साथ ही सरकारी गवर्नमेंट क्षेत्र में लाभ मिलेगा और कोर्ट कचहरी के मामले में विजय प्राप्त होगी, अनेक क्षेत्रों से लाभ होगा, इनकम में तेजी से वृद्धि होगी, अनेक क्षेत्रों से लाभ होगा। अब अगली राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि आपको बता दें कि अब इनकम तेजी से बढ़ेगी, भगवान शनिदेव की कृपा से अपार धन का लाभ होगा, नए क्षेत्रों में आप व्यापार कर सकते हैं, पार्टनर में करते हैं तो लाभ होगा और इसमें पति पत्नी के बीच संबंध मधुर होंगे, संतान की प्राप्ति प्रेम के लिए बहुत अच्छा रहेगा, या समय विद्यार्थियों के लिए भी काफी अच्छा समय लगा, जमकर आप शिक्षा में आपका मन लगेगा और विदेश जाने के योग बनेगा, विदेश से भी अच्छा खासा धन लाभ कमा सकते हैं, चारों दिशाओं से मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त भगवान शनिदेव की कृपा से प्रदाता। तो इन राशियों पर भगवान शनिदेव की कृपा अब कल से होने वाली है, जिनके जीवन के किसी प्रकार के दो का संकट और कष्ट सब भगवान शनिदेव दूर करने वाले हैं, तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा जय 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 शनिदेव। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब आपको आगे हम राशि बता देते हैं। आज का राशिफल कुंभ, जिनका नाम गो स श श द से शुरू होता है, पॉजिटिव सुखद ग्रह स्थिति बन रही है। कुंभ राशि के व्यक्तियों में आत्मबल व आत्मविश्वास की प्रबल भावना रहेगी, अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत बनाएं, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। घर परिवर्तन करने का विचार है तो आप उससे संबंधित कोई कार्य शुरू हो सकता है। नेगेटिव अपरिचित व्यक्तियों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, आपके साथ विश्वासघात या धोखा हो सकता है। संतान की कोई जिद या अड़ियल रवैया आपके लिए चिंता का कारण बनेगा, इसलिए परिवार में डिसिप्लिन बनाकर रखना अति आवश्यक है। व्यवसाय मार्केटिंग के कामों में ज्यादा समय बीतेगा, वर्कर्स की गतिविधियों को भी नजरअंदाज ना करें, उनकी वजह से काम में रुकावट आ सकती है। पेमेंट इकट्ठा करने के लिए दिन अच्छा है, सरकारी नौकरी में एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मिल सकती है। लव विवाहित जीवन खुशनुमा रहेगा, प्रेम संबंधों में गलतफहमियां उत्पन्न होने से दरार आएगी। स्वास्थ्य सर्दी और पॉल्यूशन की वजह से एलर्जी जैसी दिक्कत रहेगी, भीड़ भाड़ में जाने से परहेज करें और ठंडी तासीर वाली चीजों का सेवन ना करें। भाग्यशाली रंग ऑरेंज, भाग्यशाली अंक 8। चंद्र राशि के अनुसार पॉजिटिव सुखद ग्रह स्थिति बन रही है। कुंभ राशि के व्यक्तियों में आत्मबल व आत्मविश्वास की प्रबल भावना रहेगी, अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत बनाएं, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। घर परिवर्तन करने का विचार है तो आप उससे संबंधित कोई कार्य शुरू हो सकता है। नेगेटिव अपरिचित व्यक्तियों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, आपके साथ विश्वासघात या धोखा हो सकता है। संतान की कोई जिद या अड़ियल रवैया आपके लिए चिंता का कारण बनेगा, इसलिए परिवार में डिसिप्लिन बनाकर रखना अति आवश्यक है। व्यवसाय मार्केटिंग के कामों में ज्यादा समय बीतेगा, वर्कर्स की गतिविधियों को भी नजरअंदाज ना करें, उनकी वजह से काम में रुकावट आ सकती है। पेमेंट इकट्ठा करने के लिए दिन अच्छा है, सरकारी नौकरी में एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मिल सकती है। लव विवाहित जीवन खुशनुमा रहेगा, प्रेम संबंधों में गलतफहमियां उत्पन्न होने से दरार आएगी। स्वास्थ्य सर्दी और पॉल्यूशन की वजह से एलर्जी जैसी दिक्कत रहेगी, भीड़ भाड़ में जाने से परहेज करें और ठंडी तासीर वाली चीजों का सेवन ना करें। भाग्यशाली रंग ऑरेंज, दूसरों की सफलता के लिए नकारात्मकता या जलन की भावना न रखें,
पैसों से संबंधित समस्या कुछ दिनों में दूर हो सकती है। तनाव से बचना होगा, अपनी क्षमता के अनुसार काम कर करते रहें। करियर, शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को अपेक्षा के अनुसार फायदा होगा। लव, पार्टनर के निर्णय की वजह से आपको राहत मिल सकती है। हेल्थ, पेट संबंधी दिक्कत बढ़ने की संभावना है। लकी कलर हरा, आज आप बोली से अपना काम बना लेंगे। आपको सुख देने वाले समाचार मिलेंगे, आय बेहतर बनी रहेगी, वाहन सुख मिलेगा, मित्रों से मुलाकात होगी, शाम को परिवार के साथ भ्रमण पर जाने का मौका मिलेगा, आय का स्रोत अच्छा बना रहेगा, विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। आज का दिन आपके लिए करियर के लिहाज थोड़ा कमजोर रहने वाला है। आप किसी बात को लेकर जिद्द व अहंकार ना दिखाएं। परिजनों का साथ व सहयोग आप पर बना रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में यदि किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी, आपको उसे दूर करने की पूरी कोशिश करनी होगी। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। अपने कामों में आप जिम्मेदारी से आगे बढ़ें। यदि आप किसी को धन उधार दें, तो उसे पूरा लिखा पढ़ी करके दें, नहीं तो बाद में आपको समस्या हो सकती है। अपने खर्च पर नियंत्रण करने के लिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा। ग्रह नक्षत्र की चाल पर आधारित फलादेश है, जिसमें सभी राशियों मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन का दैनिक भविष्यफल विस्तार से बताया जाता है। इस राशिफल को निकालते समय ग्रह नक्षत्र के साथ साथ पंचांग की गणना का विश्लेषण किया जाता है। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ शुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। इस राशिफल को पढ़कर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। जैसे दैनिक राशिफल ग्रह नक्षत्र की चाल के आधार पर आपको यह बताएगा कि आज के दिन आपके सितारे आपके अनुकूल हैं या नहीं, आज आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर किस तरह के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। दैनिक राशिफल को देखकर आप दोनों ही परिस्थिति, अवसर और चुनौतियों के लिए तैयार हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।